हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आपको अपने फ़ोन के अंदर डॉल ऐप बनाना है या किसी भी एप्लीकेशन का आपको क्लोन ऐप बनाना है तो कैसे बना सकते हैं। इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप अपने फ़ोन के अंदर किसी भी एप्लीकेशन का क्लोन ऐप बना के कैसे यूज कर सकते हैं। तो वीडियो अंत तक जरूर देखना ताकि आपको समझ में आ सके। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, किसी भी अपने डॉल ऐप बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन की सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में आ जाएंगे, सेटिंग में आने के बाद आपको इस प्रकार इंटरफेस मिल जाता है। नीचे आ जाएंगे तो यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिल जाता है ऐप मैनेजमेंट। ऐप मैनेजमेंट में जाएंगे, ऐप क्लोनर का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर जाएंगे। इस पर जाने के बाद यहाँ से आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ से अमेजॉन फेसबुक का हमने बना रखा है, अमेजॉन फोन पे, स्नैपचैट, बहुत सारे कमेंट आते हैं कि फोन पे का डॉल ऐप नहीं बनता। तो यहाँ से हम फोन पे का डॉल ऐप बनाने वाले हैं, इसे ओपन करेंगे। अब फोन पे का डॉल ऐप बन चुका है, यहाँ से आप देख सकते हैं फोन पे का ऑन हो चुका है और अमेजॉन का भी यहाँ से हम क्रिएट कर देते हैं। अमेजॉन का भी क्रिएट हो चुका है, तो यहाँ से हम बैक आ जाते हैं और आपको अब हम चेक करा देते हैं। सिंपली अब यहाँ आ जाएंगे, अमेजॉन के हमारे फोन के अंदर दो अकाउंट हो चुके हैं। अब आपको नीचे आ जाना है, फेसबुक के भी दो अकाउंट हो चुके हैं हमने कर दिए, और यहाँ से आप देख सकते हैं फोन पे के हमारे फोन के अंदर दो अकाउंट हो चुके हैं। आप ये अपने फोन के अंदर अलग अलग नंबर से या अकाउंट नंबर से सेटअप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने फोन के अंदर एक एप्लीकेशन से दो एप्लीकेशन बना के यूज कर सकते हैं या सेकंड स्पेस बना के यूज कर सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप सबको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।